हरे कृष्णा। कई बार लोग हमारे पास आते हैं जो युवा अवस्था में होते हैं और बताते हैं कि वो कई प्रकार की आदतों से परेशान हैं। अब युवा अवस्था में कई प्रकार की आदतें, गंदी आदतें लग जाती हैं, जैसे स्मोकिंग, फिल्में देखना, पॉर्न मूवीज़ देखना, या फिर पीने की आदत। इस तरह की कुछ गंदी आदतें लग जाती हैं और इसका दुष्प्रभाव ये पड़ता है कि ना तो वो अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर पाते हैं और ना ही अपने जीवन के लक्ष्य जो उन्होंने बना रखा उसको प्राप्त कर पाते हैं। माइंड, मन हमेशा विचलित रहता है उसी आदत के बारे में और उसी को बार बार करने का मन करता है। तो ये सब तब हो रही होती हैं चीज़ें जब उनको पता है कि ये फोर्सफुली उन चीज़ों में लगे हुए हैं। वो जानते हैं कि ये उनका नुकसान कर रही है, वो जानते हैं कि सिगरेट के डिब्बे पर लिखा है कि ये आपके लिए हानिकारक है, बट फिर भी पी जा रही है। तो ऐसी चीज़ें जो हमारे को इतना एडिक्टेड बना देती हैं और हमारा जो अपने जीवन का लक्ष्य उसको प्राप्त नहीं करने देती, उन आदतों की वजह से कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हैं और यहाँ तक कि साइकेट्रिस्ट के पास भी जाना पड़ता है और कुछ लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है इन आदतों का, चाहे वो स्मोकिंग हो, पॉर्न मूवीज़ हो, चाहे ड्रिंक हो, इन सब चीज़ों से कैसे निजात पाएँ? तो हमें देखना चाहिए कि जो लोग भी इन आदतों में हैं उनको कई लोगों ने सोल्यूशन बताए होंगे कि अपने को एंगेज रखो, अपना दिमाग उधर मत लगाओ, जब कोई ऐसा विचार हो तो ताली बजाओ, ठंडा पानी मुंह में डालो, कई तरह के विचार लोग देते रहते हैं। लेकिन हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इसका और क्या तरीका हो सकता है। सबसे पहले तो आपको अपना लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। जनरली लोग इस संसार से संबंधित सारे लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन इसमें आध्यात्मिकता भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि जीवन जीना और जीवन अच्छे रूप से जीना और लक्ष्य के साथ जीना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन को, अपने समय को इस प्रकार शेड्यूल करना चाहिए कि हम लोग अगर इतनी खतरनाक आदतों से जूझ रहे हैं तो हमें अपने आप को ओवरली एंगेज रखना चाहिए। हमारे पास हर समय कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जिनको इस तरह के एडिक्शन्स हैं उन्हें अकेला नहीं बैठना चाहिए। कोई ना कोई मित्र जो उनकी कमजोरी जानता है वो हमेशा उनके साथ रहे, उनको बोलें कि मेरी ये कमजोरी है, आप मेरे साथ रहें, पब्लिकली लोगों के बीच में रहें, एकांत में ज़्यादा ना बैठें, अपने आप को मन से, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से अपने को हर समय एंगेज रखें। एक काम के बाद दूसरा क्या काम कर रहे हैं, तीसरा क्या करना है, चौथा क्या करना है, वो सब सोचें। कुछ काम ना हो तो भी कुछ ना कुछ सफाई करना या और तरह के एंगेजमेंट्स लेनी चाहिए। दूसरा, प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, क्योंकि ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमा, अर्थात भगवान सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मैं हेल्पलेस हूँ, मुझे कुछ गंदी आदतों ने जकड़ लिया है और मैं सिंसियरली प्रेयर कर रहा हूँ आपसे कि आप मेरी मदद करें। मैं चाहता हूँ कि मेरी इंद्रियाँ उन भोगों की तरफ ना जाएँ, मेरी आँख, मेरे कान, मेरे मुँह उस तरफ ना जाएँ, मेरा मन मुझे बार बार परेशान ना करे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी आप मदद करें। और फिर प्रार्थनाओं के अलावा और चीज़ जो मन को स्थिर करता है, मन को हर तरह की समस्याओं से दूर करता है, उनके विचारों, गंदे विचारों से हमको दूर लाता है, उसके लिए क्या करना होगा, मंत्र, अर्थात मन को जो तार दे, मंत्र का जप करना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निरंतर जप करना पड़ेगा, 4 माला 16 माला इस तरह से नियम बांधना पड़ेगा। आप अगर थक जाते हैं बहुत ज़्यादा तो बहुत अच्छी बात है, थकने पे तुरंत नींद आएगी और फिर जल्द उठें। अपने जीवन को नियमित करना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, वो हमें हमारे जीवन का लक्ष्य बताएंगे। ज्ञान के द्वारा हमें पता चलेगा सही क्या है, गलत क्या है। भगवद गीता कहती है हमारी 5 इंद्रियाँ हैं और 5 इंद्रियों के ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के बाद आत्मा हमारा बैठा है पीछे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अभी हम लोग अपने इंद्रियों और अपने मन के वश में हैं और बुद्धि से काम नहीं ले रहे हैं तो हमारा नुकसान हो रहा है। इसलिए क्या करना चाहिए कि हम लोगों को अपनी बुद्धि को सही क्या है, गलत क्या है, उसकी पहचान कराने के लिए भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण जैसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। तब हमें पता चलेगा हमारा भला किस में है और किस में नहीं। और अपने को एंगेज रखना चाहिए भगवान के नामों में, ग्रंथों को पढ़ने में,
भक्तों की सेवा में, पुस्तक वितरण में और अपने रोज़मर्रा के कामों में। टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें कि आपको इसकी कितनी ज़रूरत है। अगर आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपका दिमाग फिर से घूमे और फिर आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर बैठें, क्योंकि एक क्लिक पे यार सारी चीज़ अवेलेबल हैं। तो आप ऐसा फ़ोन ही इस्तेमाल ना करें, आप बेसिक फ़ोन ले लें अगर आपको लगता है आपकी कमज़ोरी है। और इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए आप लैपटॉप या पीसी इस्तेमाल करें, जहाँ पर जो पब्लिकली पेज पर पड़ा हो, जहाँ पर और लोग भी उपस्थित हों, और उसके सेटिंग्स ऐसे चेंज करें कि जिससे कि वो सब चीज़ें ना तंग करें आपको। और ऐसे लोगों का संग ना करें जो लोग ऑलरेडी इन सब चीज़ों में हैं, ये सब गलत काम कर रहे हैं। उनके साथ उठना बैठना खाना बंद करें, सात्विक भोजन लेना शुरू करें, फल फ्रूट सब्जियां इत्यादि। जितना पैशनेट रजोगुनी आहार लेंगे हमारे अंदर उतना रजोगुन बढ़ेगा, हमारी इच्छाएं उतना, मन हमारा विचलित रहेगा, उतना अधिक हम उन सब चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। मन विचलित रहेगा रजोगुन में तो हम लोग चाहे कितना ही एंगेज हो जाएं, जैसे ही समय मिलेगा फिर कुछ ना कुछ सिगरेट, कुछ ना कुछ ड्रिंक या कुछ ना कुछ मूवी गलत देख लेंगे। क्या करना पड़ेगा? सतोगुण में उठना पड़ेगा, अर्थात सुबह 4 बजे उठें, स्नान करें, जप करें, गीता पढ़ें, 2-3 घंटे इसमें लगाएं, थोड़ा सा योगासन करें, उसके बाद अपने काम धंधे में निकल जाएं, पढ़ाई करें। बीच में जितना गैप है उसमें ये ना सोचें कि अब तो मैंने कंट्रोल कर लिया, अब देखते हैं क्या होता है। नहीं, माया बहुत स्ट्रांग है, मन बहुत स्ट्रांग है। जैसे ही विचार आएगा और आपने उस विचार को आते ही एकदम रिजेक्ट नहीं किया और उसको कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब विचार बलिष्ठ हो जाएगा तो आपका मन फिर से उस गंदे कार्य में जा सकता है। तो क्या करना होगा? आपको अपने मन को रिजेक्ट करना पड़ेगा इस तरह के विचारों से। ऐसे मित्र बनाने पड़ेंगे जो आपकी मदद करें, जो सुबह जल्दी उठा दें, आपके साथ बैठ के जप करें, आपके साथ बैठ के कीर्तन करें, आपके साथ बैठ के पढ़ें और डिस्कशन करें। कुछ दिन अगर आप इस तरह से एंगेज हो गए तो आप देखेंगे उन पर गलत आदतों को जो है आप भूल चुके हैं। लेकिन अपने पे इतना विश्वास ना करें, क्योंकि जिस दिन आपने ऐसे विचारों को फिर से कल्टीवेट करने की कोशिश करी, किसी भी समय मौका पाते ही मन आपको फिर कहेगा कि कर ले, कोई नहीं देख रहा, इतने दिन से तो नहीं किया। तो इस तरह से आपको अपने आप को और अपने लक्ष्य को सांसते हुए ठीक करना होगा। अधिक से अधिक भक्तों के बीच में रहें, अपने को एंगेज करें, मंदिरों के दर्शन करें, वहाँ पर कोई ना कोई सेवा लें। तो कुछ दिनों के बाद जब आप देखेंगे कि आपने कंट्रोल कर लिया या ज़्यादा एंगेज होने की वजह से आप उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाए, तो वो जो पीरियड था आप एक अनुभूति करेंगे कि हाँ, इस तरह से मैं अपने जीवन को जी सकता हूँ, ये मुश्किल नहीं है। अपनी ही रियलाइजेशन के आधार पर, भगवान से प्रार्थना करने के आधार पर और भक्तों की मदद से आप उन सारी बुरी आदतों को छोड़कर आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।